हेलो दोस्तों, तो मैं आ गया हूँ आज चेन्नई एयरपोर्ट पे और मैं जा रहा हूँ आज कुआलालंपुर मलेशिया। मैंने मुंबई से फ़्लाइट ली थी। मुंबई से फ़्लाइट मुझे कुछ 11,000 की पड़ी थी। मुंबई से कनेक्टेड थी चेन्नई। मुंबई से मैं निकल गया हूँ, अभी मैं चेन्नई पे आ गया हूँ और चेन्नई एयरपोर्ट पे मैंने चेक इन बोर्डिंग वगैरह सब कर ली है। बोर्डिंग पास मेरे पास है, पैसे भी मैंने ले ली है मलेशियन रिंगेट। एक्सचेंज रेट काफ़ी अच्छा हाई है, तो जो रेट है मुझे पड़ा कुछ 26 रुपये देने पड़े मेरे को, इंडियन रुपीज़ 26 रुपये मुझे देने पड़े एक रिंगेट के लिए। तो अभी मेरी कुछ देर में फ़्लाइट है, तो चलो कैच करते हैं फ़्लाइट को और देखते हैं कैसे जाता है सफ़र बाकी का। चेन्नई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, अंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, और यहाँ से मैंने जो तो एंट्री कर ली है इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और यहाँ से मैं चला जाऊँगा अभी इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन से वहाँ से मैं फ़्लाइट बोर्ड करूँगा। बैग चेक इन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ मुंबई में, तो बैग मुझे करने की ज़रूरत नहीं है ऑलरेडी। बस मेरे पास एक हैंड बैग है जो कि मैं कैरी कर रहा हूँ। वहाँ पर जाने के लिए जो तो मैंने रिटर्न टिकट बुक कर दी है और उसके बाद जो तो मैंने अपना होटल भी बुक कर दिया है और मैंने कुछ पैसे भी कैरी कर लिए अपने साथ। तो आई होप कोई प्रॉब्लम तो ना होगी, तो लेट्स सी हाउ इट गोस, क्या प्रॉब्लम आती है और किस तरह से वो स्मूथली जाता है प्रोसेस, तो चलिए देखते हैं। टेक ऑफ कर चुके हैं और बाय बाय चेन्नई, बाय बाय इंडिया, सी यू सून। आप देख सकते हो कुछ भी नहीं दिख रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब फॉग है शायद, बाहर फॉग या फिर बादल है, पता नहीं क्या है। नीचे बारिश हो रही है शायद, तो मौसम का भी ख़राब है। टर्बुलेंस है, बड़ा बुरा हाल है। प्लेन कॉन्स्टेंटली हिल रहा है। बीच में एक दो ऐसे ऊपर नीचे भी हो गए, जैसे रोलर कोस्टर के राइड होते हैं ना उस तरह से, तो काफ़ी सिचुएशन ख़राब थी। थोड़ा सा भी आया है, लेकिन पिछले 2 घंटे से कंटिन्यूसली प्लेन अप एंड डाउन ऐसे सर्वाइब्रेट हो रहा है, तो बहुत मुश्किल राइड हो रही है। सिटी है भाई, देखो रोड सिस्टमेटिक प्लानिंग, अरे वाह। लाइट्स रोड पे प्रॉपर है, तो रोड देखो। तो भाई यहाँ पर सुबह के 3 बजे है और मैं कुआलालंपुर एयरपोर्ट पे आ गया हूँ और इमिग्रेशन बहुत ही आसान था। मुझे रिटर्न टिकट दिखाने को बोला और एक MMDC फॉर्म होता है जो कि एक्चुअली मैंने नहीं भरा था, तो मैंने तुरंत फिर वही भर लिया और वही उनको दिखा दिया। फिर उन्होंने मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प ठाक 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 लगाया और उसके बाद हो गया और बस फिर अपना मैं बैगेज कलेक्ट करके यहाँ पर आ गया हूँ। तो अभी बस अब देखेंगे, कोई टैक्सी वगैरह देखेंगे। होटल तो मैंने 2 दिन के लिए बुक कर रखी है, तो लेट्स सी कैसे जाता है। अभी फ़िलहाल तो बस यहाँ से निकलना है और थोड़ा आराम कर लेते हैं। एक चीज़ मैंने नोटिस की, यहाँ पर थोड़ा सा इतना डायरेक्शन बराबर नहीं एयरपोर्ट का, मतलब कि इधर से उधर जाना है, उधर से उधर जाना है प्रॉपर। तो जैसे कि मैं अभी वहाँ से निकला फ्लाइट से, तो बैगेज के लिए मेरे को बहुत मतलब पहले तो समझ में नहीं आया कौन किधर है क्या है, पूछ के आना पड़ा। हेलो दोस्तों, तकरीबन 7 बज रहे हैं अभी दिन के और मैंने सिम कार्ड तो ले लिया अभी,
लेकिन एयरपोर्ट पे आके अभी कोई इशू हो गया सा हो गया कि अभी होटल का जो टाइमिंग है चेक इन टाइम है समझो दो बजे के आसपास, अभी मैं जल्दी आ गया हूँ तो अभी होटल वाला फ़ोन भी नहीं उठा रहा है तो क्या करना समझ में नहीं आ रहा है। अभी देखते हैं, मैं सोच रहा हूँ अभी वहाँ चल जाता हूँ डायरेक्ट और देखते हैं फिर उसके बाद क्या बोलते हैं वो टेम्पररी, अगर बस कुछ उसके पास कुछ अकोमोडेशन होगा तो उसमें रह लेंगे, बाद में देखेंगे क्या है। तो ऑलराइट, तो कुछ खा भी लेते हैं, अभी भूख भी काफ़ी लगी है यार, कल से कुछ खाया नहीं है। एयरपोर्ट से निकलने का रास्ता दिख रहा था तो निकल नहीं पा रहे हैं, मेट्रो का टिकट ख़रीदने का चाह लेकिन मेट्रो से मेरा कार्ड ही नहीं चल रहा है, अभी पता नहीं क्या दिक्कत है यहाँ के इंडियन कार्डों की। तो अभी देखते हैं, बस से जाऊंगा पहले वहाँ पर कोई स्टेशन पे, वहाँ से उधर चले जाऊंगा। तो लेट्स सी, क्या क्या टू व्हीलर है, बहुत ही फास्ट चलाते हैं भाई ये, रोड भी वैसे थे, भागा भी वैसे रहे। ओके, तो चलो अभी बस स्टेशन पे जा रहा हूँ, बस स्टेशन से बस लेके निकलते हैं, देखते हैं क्या बोल क्या इशू आता है वहाँ पर। अब आई होप जहाँ पर बस में जाना है वहाँ बस भी मिल जाए मेरे को। बंदर तसिक सलातन, ट्रेन गेट का ले लिया है, पता नहीं क्या बोल रहे हो, नासिक औरंग वगैरह, फिर नासिक औरंग है शायद, देखते हैं कैसे खाने में, अब तो पुलाव की तरह लग रहा है ये। लग तो पुलाव की तरह लग रहे हो, तो फ्राइड राइस। ये बस का टिकट मैंने ले लिया है, 7:45 की मेरी बस है, मुझे पड़ा देखो वो 13 रेंगेट का, मलेशियन रेंगेट का, कुछ 130-140 के आसपास पड़ जाते हो इंडियन रुपीस। बस में आ गए हो, सीट नंबर 12 दिखा रहे हैं, सीट नंबर तो है कुछ इस तरह से दिखती है बस यहाँ की। बहुत अच्छी नोटिस की यहाँ पर कि यहाँ पर जो है ना बड़ा सा वॉचिंग सेंटर है यहाँ पर, मतलब लॉन्ड्री बार बोलते हैं उसको, तो आप जो है तो जब चाहे यू नो आपके कपड़े वगैरह वॉश कर सकते हो, यहाँ से आप डिटर्जेंट वगैरह ले सकते हो, एक रेंगेट का मिलता है। और यहाँ से अभी देखो कपड़े डालूँगा मैं, कपड़े डालने के बाद फिर आप 3 रेंगेट लगते हैं उसको, 3 तकरीबन 60 रुपये, और एक 10 kg का लिमिट है इसका, और टोकन लेना पड़ता है वहाँ से, टोकन लेके फिर ये मशीन में डालना पड़ता है। तो अभी एक मशीन में मैं डालता हूँ, मेरे पास जो है तो सरफ भी है, सरफ मैंने अपना ले लिया हूँ, तो मैंने अभी साइकिल सेलेक्ट कर ली है, हाँ वार्म वाली, तो मैं कॉइन डालूँगा, तो उसको 4 चाहिए, 3 मिल, 1 मिल गया उसको, 2 मिल गए, अभी और एक चाहिए। ये चालू हो जाएगा देखो, अभी पानी लेगा, ये पूरा आपका सरफ वगैरह है यहाँ पर, कुछ लॉन्ड्री बार के ये पूरा सेंटर है, बड़ा ही ज़बरदस्त है भाई, इधर बहुत सारे बड़े बड़े कपड़े हैं, बहुत और ज़्यादा कपड़े तो और बड़े बड़े मशीन है। तो बहुत अच्छा सिस्टम लगा मेरे को यहाँ पर ही। मैं आ गया हूँ आज जामा मॉस्क की तरफ, और आप देख सकते हो यहाँ पर
थोड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, बिल्डिंग्स है और पीछे एक मॉस्क है। मैं अभी घर से निकला था, मैं बोला चलो कुछ खाते हैं और थोड़ा घूमते हैं कुछ इलाके, तो चले देखते भी आज का टूर कैसा होता है। तो ये यहाँ की मॉस्क है, जामा मॉस्क, ये बहुत ही शानदार है। ये लाइटिंग वगैरह तो बहुत ज़बरदस्त लगा रखी है। देखो रिवर पास होता है यहाँ से, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लाइटिंग वगैरह ज़बरदस्त है। ये देखो अभी मैं दिन में तो नहीं आया, मतलब ठीक है, रात में भी ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ये भी ये पूरा पानी जाता है इधर। वाह ये सी देखा आपने, ये देखो ये रिवर है, पता नहीं रिवर है कि नाला है, बट स्मेल वगैरह तो कुछ आ नहीं रही, ज़बरदस्त है भाई। ये देखो बिल्डिंग्स यहाँ पर, इतनी ऊँची ऊँची बिल्डिंग है, तकरीबन 50 तो होंगे वो। ये क्या लिखा है, बानुमल मौलत OCBC, पता नहीं किस तरह कोई बैंक होगा, ये भी एक तरह का कोई बैंक होगा या वो उनका ट्रेड सेंटर होगा। यहाँ पर देखो मरान समीनो मस्जिद जो तो पूरे बिल्डिंग्स के अराउंड ज़बरदस्त है यार। और ये देखो लाइटिंग वगैरह, ये तो बिल्कुल एकदम मस्त लग रहा है, एकदम एक पैलेस या फिर वो एक रशियन पैलेस की तरह मेरे को लग रहा है, ये जो 7 वंडर्स में आता है। भाई मैंने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की, बहुत ही कॉम्पैक्ट है बट वेल ऑर्गेनाइज है ना। अभी जो कुआलालंपुर स्पेशली, वैसे तो बहुत सारी इनके पास लैंड है पैम्प्री वगैरह की, लेकिन जो भी है वेल कुआलालंपुर कॉम्पैक्ट है लेकिन वेल ऑर्गेनाइज है भाई, बड़ा सिटी है। ये इलाका थोड़ा भीड़ भाड़ वाला है, शायद यहाँ पर थोड़े बहुत सारे शॉप मिलेंगे आपको आगे। मालिक स्ट्रीम कॉरपोरेशन, मैं ना अभी चाइना टाउन की तरफ जा रहा हूँ। थोड़ा बांग्लादेशी कम्युनिटी दिख रही है, काफ़ी सारे इसके रेस्टोरेंट्स है, शॉप्स है और दुकानें हैं बहुत सारे पूरा यहाँ से होता है। आगे इंडियन भी है, देखते हैं कैसा है। तो आए दिन ओके, वो क्या है टावर देखेंगे उसको अभी आज या कल। फ्रूट की थैली ले ली अभी, और मुझे ये अपना अनानास है, पाइनएप्पल 2 रिंगेट का मिला, इंडिया के कुछ 44-45 रुपए के हिसाब से। गली की देख रहे हैं आप, ये पूरी गली यहाँ से खाने खाओ गली बोलते हैं उसको, एक से एक चाइनीज़ या के मलेशियन आइटम, ये वो आप देख सकते हो, ये बारबेक्यू, ये बहुत 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 ज़्यादा खाना है यहाँ पर, चाइना टाउन राइस। भाई ये जो स्ट्रीट है ये पूरा शॉपिंग से भरा पड़ा है, पूरा शॉपिंग है यहाँ से, वहाँ तक चप्पल, आपके जूते, बैग्स वगैरह, अच्छे अच्छे कॉपीज आपको मिल जाएगी, मोबाइल, परफ्यूम्स, शर्ट्स। भाई हमारे शर्ट दिख रहे हैं अभी, ये है पूरे क्लब्स के टी शर्ट्स। यार शॉपिंग तो मुझे ज़्यादा करनी ही नहीं है। ठीक है, थोड़ा एक्सपेंसिव है, कॉपी मिल जाएगी यहाँ पर आराम से। जालान पितलांग, पितलांग स्ट्रीट, यहाँ पर पूरा पर को एकदम शॉपिंग सेंटर, कपड़े वगैरह सब मिल जाएगा, जूते सब सब। बहुत ही लंबा टावर है भाई, ये क्या है, कौन सा टावर है भाई? ये पूरा मार्केट है यहाँ से वहाँ तक, A to Z, यहाँ से लेके पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा मार्केट। सिंगिंग चालू है यहाँ पर, फास्ट फूड है पूरा, ट्रैफिक है यहाँ पर, अलग अलग तरह के खाने हैं, चाइनीज़ है, मलेशियन है, कोरियन है, बहुत है सुपर मार्केट, पूरा मार्केट ज़बरदस्त है यार। ये करो की चालू है,
यही ख़त्म करेगा आज। आज मैं एयरपोर्ट से आया और उसके बाद मैंने चेकिंग की, उसके बाद मैंने अपने कपड़े धोए, यहाँ का मार्केट देखा, यहाँ पे करेंसी वगैरह देखी, एक्सचेंज की। उसके बाद फिर आज मैं चला गया था आज कुछ खाने के मार्केट में, कुछ कपड़ों के मार्केट में, शूज़ वगैरह के मेन मार्केट में जो सिटी में है, सिटी सेंटर के आसपास है, चाइना टाउन की गली में गया था। तो आज का दिन काफ़ी थकान भरा रहा, मेरे पैर अभी थोड़े से दुख रहे हैं, तो मैं अभी थोड़ा सा कुछ ठंडा ठंडा पानी पी के थोड़ा आराम करूँगा अभी, और फिर कल के लिए स्टार्ट हो जाऊँगा। कल मेरा टूर रहेगा सुई सिटी के लिए, और देखते हैं, बने रहिए। कल काफ़ी मज़े आने वाला है, कल का मैं और टूर कराऊँगा आपको सिटी का। तो ओके, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शब खैर, अल्लाह हाफिज़। चलो मिलते हैं बाद में, बाय, टेक केयर।